आतिश की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए और हमारे बीच में श्री पवन बंसल जी भी केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी शामिल हुए। आज देश के जो हालात हैं, जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों से लगातार तेल के डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वो चिंता का विषय है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इतना सस्ता पेट्रोल होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में सरकार बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर उसको और महंगा करते जा रही है। एक बार पहले भी ऐसा मौका आया इनके पिछले 5 साल के टेनर में, आज दूसरी बार ये मौका आया है जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत कम है और हमें यहाँ पे 80 से 90 रुपये के बीच में जो है पेट्रोल और डीजल मुहैया करवाया जा रहा है। आज देश के हालात कैसे हैं, डीजल और पेट्रोल का असर सिर्फ एक आम आदमी की जेब पर जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वो सारे ट्रकों के थ्रू एक से दूसरे शहर में जाते हैं, तो उसमें डीजल लगता है। पहले ही टोल टैक्स की वजह से और अब डीजल की वजह से सारे ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं, आम जनता भी परेशान है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है आज देश में, कभी कोरोना के नाम पर, कभी कोरोना टैक्स के नाम पर, आज चाइना में जो कुछ हो रहा है, ध्यान भटकाने के लिए सरकार बार बार एक नए हथकंडे अपना रही है। आज ना रोजगार है, ना कोई किसान को राहत है, ना महिलाओं को राहत है, ना आम आदमी को राहत है, ना छात्र को राहत है, हर आदमी सरकार से दुखी है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले जब $125 प्रति बैरल जो कीमत थी इंटरनेशनल लेवल पे, तब भी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, उस समय कांग्रेस की सरकार ने, ये तेल को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया था जिस रेट पे आज पहुँच गए हैं, उसको सब्सिडाइज किया गया था और एक्साइज कम किया गया था। कितनी बार एक्साइज बढ़ाया गया जब से इनका राज आया, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय नेता आज जो चुप्पी साधे हुए हैं, आज मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, आज वो एक रामदेव जी जो व्यापारी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, जो कहते थे अगर 35 रुपये पेट्रोल और डीजल चाहिए तो मोदी को वोट दो। आज स्मृति ईरानी कहाँ पे है, आज एक मिस्टर विज है हरियाणा के मंत्री, वो कहाँ पे है जो कपड़े उधार का प्रदर्शन कर रहे थे। आज इनके विजय गोयल जो घोड़ा गाड़ियों पे घूम रहे थे, वो कहाँ पे हैं, मुझे नहीं पता कि वो सब के सब चुप क्यों और गायब क्यों हो गए। क्या ये मोदी जी का डर है या क्या चीज़ है ऐसी इनके मन में कि ये लोग प्रदर्शन आज बोल नहीं पा रहे, किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खेद की बात है, निंदनीय बात है और चिंता का विषय है आज देश के लिए। और हम चाहते हैं चंडीगढ़ कांग्रेस की ये डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, यहाँ 74-75 रुपये का रेट पहुँच गया है, इस वजह से लोगों का यहाँ जीना दूभर हो गया। ये एम्प्लॉयज़ का सिटी है, ये छोटे बिजनेसमैन का सिटी है, छोटे छोटे काम करने वाले लोग यहाँ पे हैं जो कोरोना की वजह से पहले ही दुखी हैं और आज अभी भी जो काम उनके चलने शुरू नहीं हुए, लेकिन आज हम चाहते हैं कि ये इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, तेल में बढ़ोतरी के रेट, एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, तेल के रेट कम करने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जय हिंद।